काचा हीरा कापीने तेने घाट आपवानो उद्योग जेनी ओळख बन्यो छे तेवुं सूरत शहर खरेखर तो मेक इन इंडियानी मोटी सक्सेस स्टोरी छे। भले बधे मेक इन इंडिया होय, सूरतमां डिझाइन इन इंडियानी सक्सेस स्टोरी लखाशे। सुवर्ण आभूषणनुं उत्पादन परंपरागत भारतीय डिझाइन वरे करी तेनी निकास करवानी आ वात छे। भारतीय डिझाइनमां बनेली ज्वेलरीनो दुनियानी बजारमां डंको वगाडवा माटे सूरतनो हीरा उद्योग तैयार छे। દુનિયાના કોઈપણ બજારમાં વેચાતા 14 પૈકી 12 હીરાને કાપવાનું તથા પોલિશ કરવાનું કામ સુરતમાં થયું હોય છે। સુરતના આધિપત્યનો આ પરચો છે। હીરા ઘસવા માટેની મશીનરી પણ જાતે ગુજરાતમાં બનાવી લે તેટલી કોઠાસૂઝ આ ઉદ્યોગમાં પડેલી છે, જેનો ઉપયોગ હવે જ્વેલરી ડિઝાઇનમાં થશે। ઘસાઈને તૈયાર થયેલા હીરાને નાના પેકેટમાં ગોઠવી માર્કેટિંગ માટે અલગ રૂમમાં પહોંચતા આ દ્રશ્યમાં જોઈ શકાય છે। हीरा नो जत्थो सलामत रीते पहुंचाड़वो ए पण एक पड़कार छे। डायमंड में ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम इस इंडस्ट्री में ये चीज यूज की जा रही है, फर्स्ट टाइम इन गुजरात ये चीज यूज की जा रही है। एक बार आपने कोड डाला और आपने जिस जगह पे भेजा वो ट्यूब यहाँ पे पहले आएगी, यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगी। और इवन ये ऑटो ट्रैफिक मैनेजमेंट भी करता है, अगर एक ही जगह पे दो तीन ट्यूब जा रही है तो वो ऑटोमेटिकली जो सबसे क्लोजेस्ट है उसको भेजेगी। आखा भारतमांथी रोजगारीनी तलाशमां सूरत आवता तमामने रोजगारी हीरा उद्योग आपे छे अने कारीगरने तैयार करे छे। स्किल इंडियानी आने सक्सेस स्टोरी गणवी होय तो गणी शकाय। अपने जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जो पॉलिशर्स है उनको हम आर्टिस्ट बुलाते हैं, क्योंकि वो एक टाइप का आर्टिस्ट जो करता है ना वही टाइप का वर्क करता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे एकदम माइक्रो में फैसेट और एंगल में काम करना पड़ता है, तो उनको आर्टिस्ट बुलाते हैं। हम इन लोग को इंजीनियर्स बुलाते हैं, क्योंकि ये काम भी कुछ इंजीनियरिंग काम से कम नहीं है। तो जैसे कि एक साल का आर्टिस्ट एक साल का इंजीनियर का ट्रेनिंग हो रहा है, फिर वो 25वें महीने से काम पे लगता है। डायमंड इंडस्ट्रीज में भारत में लगभग 40 बिलियन डॉलर का कारोबार है, और डायमंड इंडस्ट्रीज ना लीधे भारत में मेक इन इंडिया ने भारी सफलता मिली है। और डायमंड इंडस्ट्रीज और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर मेक इन इंडिया की साथ डिजाइन इन इंडिया पर हमें फोकस कर रही है। काचा हीरा ने घाट आपवानो बेहतरीन कसब हासिल करनार सूरत हवे परंपरागत प्राचीन डिजाइन प्रमाणे ज्वेलरीनु उत्पादन करवा तरफ आगळ वधी रह्यु छे। सोनामांथी घरेणा घड़नार सोनी कारीगर पासे जड़वायेली प्राचीन डिजाइननो उपयोग करवानी व्यवस्था गोठवाई रही छे। अपना कारीगर घरेणा बनावे छे, निकास थाय छे, पण ब्रांडिंग थतुं नथी। दुबईनी बजारमां वेचाता 90% आभूषण गुजराती छे अथवा बंगाळी कारीगरे तैयार करेला होय छे, પણ બ્રાન્ડ વિદેશી હોય છે। દુબઈને સિટી ઓફ ગોલ્ડનું બિરુદ આપણા સોની મહાજને અપાવ્યું છે। હવે તો પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ડિઝાઇન ઇન ઇન્ડિયા જ્વેલરીની વાત ઉપાડી છે, પણ હવે આપણે જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરીમાં દુનિયામાં નંબર એક થવું છે। અને માત્ર મેડ ઇન ઇન્ડિયા જ્વેલરી નહીં, डिजाइन इन इंडिया ज्वेलरी हमारे दुनिया ने बता दी है। डिजाइन इन इंडिया है तो अभी रिसेंटली जो मशीनरी भी डायमंड की कई मशीनरी है जो इंडिया में बन रही है मेक इन इंडिया, उसका पूरा डिजाइनिंग यहाँ पे हो रहा है। जो पहले पूरा जो पार्ट है आउट ऑफ इंडिया मतलब इंटरनेशनल कंट्रीज ही पूरा पार्ट होल्ड कर रहा था, अभी वो भी इंडिया में सब पॉसिबल हो गया है। तो ऐसे कि नहीं कि खाली डायमंड और ज्वेलरी डिजाइनिंग पर, मशीनरी डिजाइनिंग में भी इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है। हमारे पास मैन पावर बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, एक्टिव लड़के बहुत हैं जो वो समझ चुके हैं, और वैसे भी नरेंद्र भाई के इतने साहब भी हैं। नौ ज्वेलरी भी इंडिया में बने और लोगों को बेचे, तो जो आज हमारे पास 20% है मार्केट वो 80% अभी भी खड़ा है मार्केट। सुवर्ण अलंकार नी विदेशी मांग ने समझी अपना सोनी कारीगरों भारतीय डिजाइन प्रमाणे माल बनाववो पड़शे। अपना कारीगर 20-22 कैरेट सोनामांथी दागीना तैयार करवा टेवायेला छे, ज्यारे निकास बजार माटेनो माल 10-12 कैरेटमांथी घड़ता तेमणे शीखवानुं छे। प्रधानमंत्रीनी दूरंदेशी प्रमाणे भारते घड़ेला हीरानो चड़काट अनुभवती दुनिया हवे सुवर्ण अलंकार उपर आफरीन पोकारे ते दिवस दूर नथी। दूरदर्शन समाचार अमदावाद।